नमस्कार, मैं उद्धव कृष्ण, आप न्यूज 18 लोकल देख रहे हैं। देखिए, अभी मैं एक पार्क में खड़ा हूं और आज आपको तस्वीरों के माध्यम से एक ऐसे खेल को दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर आपको आपका बचपन याद आ जाएगा। जी हां, ये कोई और खेल नहीं बल्कि पिट्टो है। पिट्टो एक ऐसा खेल है जो हम सभी ने अपने बचपन में खेला है, तो इसी खेल के बारे में ये पूरी खबर होने वाली है। आप बने रहिए न्यूज 18 पर। देखिए, तो ये एक ऐसी खेल है जिसे देखकर सभी को अपना बचपन याद आ जाता है। इस खेल का नाम पिट्टो है और पिट्टो हमें से लगभग सभी ने अपने बचपन में ज़रूर खेला है। कुछ पत्थर होते हैं, उन्हें एक पर एक रखा जाता है और फिर बॉल से उसे मारा जाता है। इसी पर पूरा खेल आधारित होता है। यहाँ पर कुछ बच्चे पिट्टो खेल रहे हैं और आपने भी बचपन में पिट्टो खेल जो है वो ज़रूर खेला होगा। देखिए कि पिट्टो शुरू हो गया है और बॉल उधर गया है और यहाँ पे बच्चे जो है इस पिट्टो को समेटने में लगे थे। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पिट्टो खेल रहे हैं। तो पिट्टो जो खेल है काफ़ी अनोखा खेल होता है और बचपन में हम सभी ने इस खेल को ज़रूर खेला है कभी ना कभी। आप देखिए कि एक बच्चा निशाना लगा रहा है और ये पिट्टो गिर गया और कुछ बच्चे यहाँ पे देखिए कि पिट्टो लगा रहे हैं और बॉल से उन्हें दूसरे बच्चे जो है वो मार रहे हैं। काफ़ी अनोखा खेल है अपने आप में पिट्टो, जो कि आपको आपका बचपन याद दिला सकता है। देखिए कि बच्चा जो है वो बॉल हाथ में, उसके बॉल है, गेंद है, जिससे कि वो पिट्टो जो बनाया हुआ है उस पर वो निशाना लगाएगा। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, देखिए कि पिट्टो बनाया गया है और उस पर बच्चा जो है वो निशाना लगा रहा है। निशाना वो चूक गया है, पिट्टो गिरा नहीं अभी। हर्षित राज, और किस तरह से ये खेल खेला जाता है? इसमें होता है कि हम लोग हेड टेल करते हैं, जो जीता वो पिट्टो पे मारेगा और अपोनेंट टीम कैच करेगा, अगर कैच हो गया तो वो उसका चांस जाएगा। हाँ। एक टीम जो है वो गिराने पर आता है, दूसरा टीम जो है कैच करने पर आता है। अगर पिट्टो पे लग के आपका बॉल कैच हो जाता है तो अपोनेंट टीम हार जाता है जी। और अगर पिट्टो पे लग करके पिट्टो गिर जाता है तो वो जिसका जो गिराया है वो सजुराता है और बाकी जो इधर वाला टीम वो सब मारने के फ्रैक में रहता है। उन लोगों को मारने के फ्रैक में, पिट्टो पे मारने के फ्रैक में रहता है या लोगों को? लोगों को, जो पिट्टो सजुरा रहे हैं, जो पिट्टो को जो है सजा रहे हैं। देखिए कि पिट्टो पे निशाना लग चुका है और एक टीम जो है वो सजाने पर है और दूसरी टीम जो है उसे मारने पर है। पिट्टो एक तरफ से पिट्टो को सजा रहे हैं एक टीम के लोग और दूसरे टीम के लोग जो हैं वो बॉल से मार रहे हैं। पिट्टो सज गया है। देखिए, तो ये गेम कुछ इस तरह का होता है कि पिट्टो जो है उस पर निशाना लगाया जाता है। देखिए, पिट्टो गिर गया है और यहाँ पे बच्चे जो है सजा रहे हैं और कुछ लोग मारने पर हैं। ये सेका सेकावल टाइप का एक खेल होता है जिसमें कि एक तरफ से पिट्टो लगाया जाता है। आप देख सकते हैं कि बच्चे कितना प्रसन्न है, प्रसन्न मुद्रा में सब पिट्टो खेल रहे हैं और ये पिट्टो खेल अपने आप में काफ़ी अनोखा है। देखिए कि पिट्टो गिर चुका है और गेंद पीछे से लोग ला रहे हैं, गेंद से सेक रहे हैं बच्चों को। तो इस तरह से कुछ इस तरह से पिट्टो का जो खेल है वो चलता है। बता बाबू, क्या नाम है? सूरज कुमार। और पिट्टो खेलते हो? हाँ। कैसा लगता है खेल? अच्छा। कब से खेल रहे हैं आप? छह महीना हो रहा है इसका। छह महीना से खेल रहे हैं? हाँ। कहाँ सीखे? अपने से। बताओ, कहाँ सीखे? नेट से। नेट से सीखे? हाँ। मेरी मम्मी पापा बताते हैं। मम्मी पापा बताए? अच्छा, तो पिट्टो काफी पुराना गेम है, कितना एंजॉय करते हैं पिट्टो? बहुत ज्यादा, बहुत बहुत। और पिट्टो पिट्टो बोलते क्यों है ऐसा चिल्लाते? क्योंकि पिट्टो जाता है वो तो बताते हैं पिट्टो बोला जाता है। पिट्टो बोला जाता है, सच जाता है उसके बाद। मेरा नाम हुआ अनिश संजुम जी। और यहाँ मतलब बच्चे पिट्टो खेल रहे हैं, तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? पिट्टो ये हम लोग भी खेले हैं बचपन में, है ना। ये देखने के बाद बचपन याद आ जाता है ना। बच्चों लोग को देखते हैं हम लोग तो बहुत अच्छा लगता है कि काश हम लोग भी बचपन में ये खेले थे, है ना। बहुत अच्छा गेम है ये। देखिए, तो ये जो खेल है ये पिट्टो है और सबने इसे ज़रूर कभी ना कभी खेला है। तो ये पिट्टो खेल पर हमने पूरी खबर आपको दिखाई। आप देख रहे थे न्यूज 18। न्यूज 18 के लिए उद्धव कृष्ण, पटना।